गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखो, ड्यूटी से आ चुकी हूँ, घर की हालत देख ही रहे हो, खिड़की भी नहीं खोली है। प्रीतम के पापा ने बाजार चले गए और मैं आकर अभी लगी हूँ काम पे। तो चलो, पहला काम है खिड़कियों को खोल लेती हूँ, हवा और लाइट अंदर आने दो घर पे, तभी तो अच्छा फील होता है ना। इसके बाद घर की सफाई करनी है, फिर लंच की तैयारी। तो ये देखो नीम के पत्ते, इसे धूप में देना ज़रूरी है, तो रोज़ ही धूप में दे देती हूँ और शाम को घर में ले लेती हूँ, घर के अंदर रख देती हूँ। तो ये तो अभी पूरा सीज़न हम खाएंगे, और यहाँ इस सीज़न में ये खाना बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए, तो बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। पूरा सीज़न आप नहीं खा पाओगे, लेकिन हाँ इस टाइम पे खाते हैं। और ये तेल मैंने बनाया है, आंवला मेथी ये सब डाल के बालों के लिए, और ये तिल का तेल है। तो वेदर बहुत ही अच्छा है बोल सकते हो, हवा थोड़ी ज़्यादा है, बाकी ठीक ही है। सूरज देवता एकदम ठीक ठाक आ गए ड्यूटी पर, और सूरज ना हो गए तो अच्छा नहीं लगता मुझे दिन। और ये देखिए प्रीतम के पापा आ भी गए बाज़ार से, दो तरह के साग लाए हैं, एक है चपाट साग, ये चपाट साग, और एक नॉर्मल बोलते हैं हम सादा डाटा, सफ़ेद डाटा, उसमें भी थोड़ा साग है। और ये खाने वाले कच्चे खाने वाले प्याज, और ये सब्जी बनाने वाले हैं नॉर्मल प्याज। तो आज यही है, और मछली लाए है, बस आज यही बनेगा घर पे। तो ये देखो मछली धोकर साफ करके रख दिया है, प्रीतम के पापा ने ही किया, मैं घर की सफाई कर रही थी तो उन्होंने बोला आधा रख दो कल के लिए, आधा आज बनाते हैं, तो मैं आधा रखती हूँ कल के लिए, क्योंकि एक ही दिन में तीन तो लोग हैं हम, ज़्यादा मछली बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बोला लाए ही क्यों ज़्यादा, इस बात पे रोज़ झगड़ा होता है, लाए क्यों ज़्यादा, फ्रिज में रखना ही क्यों है। तो बोलते हैं वो कि जो मछली बेचते हैं जो वो दादा, मतलब पूरा लो तभी देंगे, काटते नहीं थोड़े के लिए, ये सब बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता वो सब। तो ठीक है चलो, ये देखो पाट साग भी रेडी करके भिगो दिए हैं, नॉर्मल साग भी काट के रेडी करके रख दिया, डाटा भी इससे निकाल कर रखे है, और ये छोले और बादाम मैंने भिगोए है, खाते रहती हूँ मैं कभी कभी दिन में। और ये अभी पाट साग जाएगा बॉयल होने, उसी की तैयारी है। और चलो मछली को रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, कल निकालेंगे इसको, कल ही खा लेंगे। और मेरा फ्रिज ज़्यादा कुछ नहीं है, देख ही सकते हो आप लोग, एकदम कम चीज़ें रखती हूँ। और ये दही मैं आज खा जाऊँगी, अगर प्रीतम नहीं खाया तो, बहुत दिन हो गए। तो चलो अभी कुछ आगे बढ़ा लिया इन्होंने काम, इसी बीच मैंने नहा लिया, घर की सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अभी कपड़े सूखने देने बाकी है। हवा चल रही है बाहर बहुत ज़ोरों की, ये देखो मछली फ्राई हो रही है और पाट साग बन चुका है। और ये मैंने रेडी करके दिया, सिल्वर टेप पे पीसा है, अदरक लहसुन, ये टमाटर काट दिया है, प्याज काट दिया है। मैं भी लगी रहती हूँ उनके हाथों हाथ जुगाड़ देती हूँ, इसके बाद वो खाना बना कर चले जाते हैं, तब मैं किचन की सफाई, बर्तन साफ ये सब कर लेती हूँ। और ये देखो साग बन गया, दोनों साग बन गए, अभी करी बनते ही लंच कंप्लीट हो जाएगी। और देखो देखो दो बाल्टी कपड़े आज भी, क्या करें बोलो, मुझे तो रोज़ आदत हो चुकी है, और मैं ना करूँगी तो कौन करेगा। और ये देखो घर पोछा लगाने के बाद पोछा को भी धूप में देना होता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा और एकदम बुरा स्मेल आता है धूप में ना दो तो। तो ये जो बेडशीट है थोड़ा भारी है, मैंने सोचा यहीं पे टांग दूंगी, लेकिन नहीं, रस्सी जो नीचे आ रही है तो मेरा बेडशीट ख़राब हो जाएगा, तो मैंने जो खटिया है उधर दे रही हूँ, खटिया और तार दोनों में मिलाकर दे रही हूँ। बहुत भारी है ये बेडशीट, और जो हल्की वाली है उसे सामने दे देती हूँ तो एडजस्ट हो जाएगा। और छोटे छोटे कपड़े भी उधर ही दे दिया है तो हो जाएगा, आज ही सूख जाएगा। मतलब टांगने की भी प्रॉब्लम है, जगह कम है ना, ऊपर से जो तार होता है वो नीचे ही आ जाता है कुछ दिनों बाद। तो चलो अभी रेडी हो लेती हूँ, रील्स बनानी है तो। तो जी आ गई हीरोइन रेडी होकर, कोई बता पाएगा, अभी कुछ देर पहले बाय की तरह मैं काम कर रही थी, नहीं बोलूँगी, घर के काम करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ खुद को ठीक रखना, खुश रखना ये भी जिम्मेदारी है, और ये भूलना नहीं चाहिए। आप घर के काम एकदम ठीक ठाक ही करो,
और खुद को भी ठीक ठाक रखो, अच्छे से रखो, सजा धजा के रखो, तो अच्छा लगता है ना, सबको अच्छा लगता है, आपको जो देखते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है, और खुद को जब आप देखते हो आईने में तो आपको भी खुद को अच्छा लगेगा, है ना, बोलो। तो जी रेडी हो चुकी हो, ये देखो कान का पहना है, ये कुर्ती और थोड़ा सा लिपस्टिक और आईलाइनर और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, टाइम है ही नहीं, चावल चढ़ा दिया है, उसी बीच जितना हो सके बना लूंगी रील्स। जानते हो आप लोग, रील्स बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वही मेरी मतलब एनर्जी का काम करते हैं, फुल एनर्जी मिलती है मुझे सारा दिन, घर के काम करने में, ऑफिस के काम करने में, पीतम के पीछे लगने में, क्योंकि खुद को भी खुश रखना जरूरी है ना, तब तो आप सब कुछ कर पाओगे, सब कुछ। और सबसे ज्यादा तो मुझे बेटे के पीछे लगना पड़ता है, सबसे ज्यादा, वो जितने देर स्कूल में रहता है उतना देर, अच्छा बस घर आते ही शुरू हो जाते हैं माँ बेटे की लड़ाई। मैंने आप लोगों को दिखा नहीं, मतलब दिखा ही नहीं, क्या दिखाऊँ, माँ बेटे कब लड़ने लगते हैं, कोई मतलब शूटिंग करने वाला तो होना चाहिए ना, लेकिन मन होता है दिखाओ कैसे लड़ता है मुझसे, एकदम माँ मानता ही नहीं, जब हम लड़ने लगते हैं तब सब बोलता है एकदम भाई बहन की तरह लड़ रहे हो, माँ बेटे तो हो ही नहीं तुम दोनों, क्या करते हो। और उसके पापा भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, मुझ पर चिल्लाते हैं, चुप रहो तुम क्यों उसके साथ लग रहे हो, बदमाशी इतना करता है, तब तो मैं चिढ़ जाती हूँ, फिर चिल्लाती हूँ। छोड़ो ये सब बातें, अभी कुछ रील्स बनाती हूँ, फिर मार पसाना है, फिर लंच भी खाना है, मैं तो ज्यादा लेट नहीं कर सकती, मतलब चावल बनते ही खाने बैठ जाऊंगी। चलो तो जी रील्स बनाना हो गया, प्रीतम के पापा भी आ चुके हैं और अब हम खाने बैठेंगे, भूख लगी है बहुत जोरों की भूख लगी है, और रील्स बनाने के बाद तो ऐसे ही जोरों की भूख लग जाती है। फिर प्रीतम के पापा निकलेंगे प्रीतम को लाने के लिए, अगर उनको टाइम ना मिला तो पहले प्रीतम को लेकर आएंगे फिर खाने बैठेंगे, नहीं तो देखते हैं, अभी नहाने गए हैं और मैं तो अभी खाने जा रही हूँ, मार भी पसार लिया है, अभी मार पसार के आई हूँ, तो गरम गरम चावल और दो सब्जी बनी है, खाने बैठ जाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को, दिखाती हूँ लास्ट में कैसी बनी है एक बार, ठीक है चलो। तो जी थाली सजा लिया है, ये देखिए, मतलब पीतम के पापा खाने दे दिया है, नीम आलू भाजी कल की थी, पाट साग, मछली करी, साग, चावल, तो ये पीतम के पापा की थाली है, और ये है मेरी थाली, मैं भी खाने बैठ जाऊंगी, उन्होंने बोला दे दो तो दे दिया पहले, फिर मैं उनके साथ ही बैठ जाती हूँ और खाना खा लेती हूँ, गरम गरम, भूख तो बहुत जोर की लगी है देखते ही और ज्यादा। तो जी लंच कंप्लीट, किचन की सफाई कंप्लीट, ये देखिए गैस भी साफ कर लिया सब झकाझक, सिर्फ जो खाना बचा है और पीतम जो खाएगा वो सब कटोरी कटोरी में थोड़ा थोड़ा जो है रख दिया है, चावल साग और मछली पीतम को भी देना है, उसी से दे दूंगी, बाकी जो थोड़ा सा रह जाएगा मैं रात को खा लूंगी। और ये देखिए बेड साफ, ट्यूशन टीचर आएंगे, पानी का बोतल भी रख दिया है, और सोने के लिए बेड रेडी, बेड भी रेडी करके रख दिया है, पीतम को खाना देख कर ही मैं सो जाऊंगी, बस और कुछ नहीं काम है अभी, उसके बाद उसका ट्यूशन टीचर आएंगे तो तब तो बातें करना भी मना, चुपचाप पड़े रहो या सोते रहो, कभी कभी बहुत देर तक सोती रहती हूँ, 2-3 घंटे, मतलब 3 घंटा अब तो गए, वो दिन तो गए, पहले ऐसे ही करती थी, माँ बेटे जब पीतम के पापा साइड जाते थे स्कूल से आकर, माँ बेटे दाल चावल मछली जो बनता था एक बार में करके खा जाते थे, खाकर सो जाते थे, और कब उठेंगे पता नहीं था, मतलब अगर 3 बजे सोते तो कभी 5 कभी 6, और तब ट्यूशन टीचर पीतम के लेट से आते थे, मतलब बचपन में जो पढ़ाती थी एक टीचर थी वो लेट से ही आती थी, 6-6:30, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अभी 4 बजे ट्यूशन टीचर आते हैं, सोते रहो ये तो होगा नहीं, कभी कभी होता है पीतम पढ़ता है मैं 1 घंटा सो लेती हूँ, और ज़्यादातर दिन ऐसा होता है 10 मिनट बाद ही नींद टूट जाती है, पीतम और उसका टीचर बातें करते रहते हैं ना, और बदमाशी करता है पीतम तो उसका टीचर जो है चिल्लाता है, तो बस नींद टूट जाती है, और उसी तरफ ध्यान रहता है क्या कर रहा है बच्चा, पढ़ रहा है या टीचर को परेशान कर रहा है, तो उसी तरफ ध्यान रहता है, तो उससे दिन तो गए, जब 2-3 घंटे आराम से सोते रहते थे माँ बेटे, पीतम को तो होता ही नहीं, वो ही बुरा लगता है अभी,
स्कूल से आएगा, खाना नहाएगा, खाना खाएगा, ट्यूशन टीचर हाजिर। मतलब खाना खाकर थोड़ा लेट भी नहीं सकता, लेटने का भी टाइम नहीं मिलता। क्या करे, टीचर की कमी है, अच्छे टीचर की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा। 3 बज गए, देखो आज इतना लेट कर रहा है, कब नहाएगा कब खाएगा, यही परेशानी है। ये इस बात से मैं सचमुच बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी नए सीजन में देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं प्रीतम के पापा, क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे पता है वो स्ट्रांग बच्चा है, मेरा बच्चा स्ट्रांग है बहुत, लेकिन असर तो पड़ रहा है सेहत पर, जितना ना हो दिल पे उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बहुत चिड़चिड़ा होते जा रहा है और थकावट दिखता है चेहरे से, बहुत थकावट दिखता है, ऐसे ना बोले कुछ लेकिन नज़र आता है। अभी देखते हैं नए सीजन में क्या कर पाते हैं बच्चे के लिए। अभी वो आए फिर मिलाती हूँ आप लोगों से। तो प्रीतम आ गया है, खाना भी दे दिया है, मछली का काटा भी निकाल के दे दिया है, और ये 4 खजूर और दही रखे है उसके लिए। वो खाए खाए, ना खाए ना खाए, उसकी मर्जी। तो चलो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। मेरी माँ क्या कर रही है? बोलो क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। ये बिस्किट प्रीतम के पापा लाए हैं, बहुत अच्छे बोल रहे थे, तो आज सोचा थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। चाय के साथ ये बिस्किट जाएगी, दूध के साथ नहीं जाएगी। फ्राई किया हुआ है, बहुत अच्छा है। तो जी शाम हो चुकी है, अभी रात के खाने की तैयारी है। रात के खाने में आज आटा, मतलब रोटी नहीं बनेगी, आटा नहीं लगाऊंगी। हाँ, और एक तरीके की आटा लगानी है, वो है चावल का आटा। पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये जी रहा चावल का आटा। आज पीठा बनेगा। चावल का जो आटा है वो बहुत सारे है, और मावा भी है फ्रिज में, तो अभी तो चलेगा। और इसके बाद नारियल का जो पूर होता है वो बनाऊंगी, और एक दिन वो बनाऊंगी। ऐसे कर करके चावल का आटा भी खत्म हो जाएगा। और सर्दी में जो खाने के जो मन होता है पीठा, मतलब सर्दी में ही खाया जाता है, दूसरे टाइम पे खाओ तो हजम भी नहीं होता, उतना अच्छा भी नहीं लगता। तो इस सर्दी को एंजॉय करते हैं पीठे के साथ। 1-2 दिन बाद ही आप देखने को मिलेगा। 2 दिन पहले ही बनाई थी लेकिन आप लोगों को दिखाया नहीं, शाम को बनाई थी, ब्लॉग उसके पहले ही एंड कर दिया था, और फिर सुबह तक तो खत्म, तो दिखाया ही नहीं। आज फिर से बना रही हूँ, तो सोचा आज थोड़ा शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। और प्रीतम गया है दूध लाने, पास में जो दुकान है वहां से, अभी तक आया नहीं। उसी बात से मुझे टेंशन हो रही है, क्योंकि बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। मुझे बच्चे को बाहर भेजकर थोड़ी सी भी शांति नहीं होती, मुझे बहुत डर लगता है। लग रहा था मैं ही चली जाती दुकान, यही बेहतर था। मुझे घबराहट हो रही है, देख रही हो कुछ उल्टा सीधा भी बोल भी रही हूँ। गया है बहुत टाइम हो गया, 10-15 मिनट, सामने से दुकान है और इतना टाइम लगेगा तो डर तो लगेगा ही। मैं ही निकल कर देखती हूँ। चलो तो जी ये पीठा रेडी, ये देखिए बहुत सारे बना लिए मैंने, और मन भर के खाएंगे। आज खाएंगे, कल सुबह खाएंगे, लेकिन दूध कम है, दूध मिला नहीं। प्रीतम दुकान से लौट ही रहा था बिना दूध के, तब मैं निकली, तब देखा सामने एक दीदी रहती है, दीदी का घर है, वहां पर गप्पे लड़ाने लगा, गप्पे, और मैं इधर टेंशन कर रही हूँ। सोचो कैसा बच्चा है। तो दूध कम है, उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या करे बोलो। दूध ज्यादा होता तो अच्छा लगता है ना, एकदम दूध दूध, और कम होता है तो थोड़ा कम कम होता है, ग्रेवी ग्रेवी थोड़ा कम होता है, जो ग्रेवी बनता है दूध का, ये सब मतलब पीठा पूरा पूरा बॉयल होने के बाद जो ग्रेवी जैसा बनता है वो थोड़ा कम बनेगा, और कुछ नहीं। तो चलो एक एक करके सब मैं डाल देती हूँ, फिर जब एकदम तैयार हो जाएगा तब आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए जी पीठा बनके तैयार, थोड़ी देर रेस्ट दिया था, अभी माँ बेटे खाएंगे। तो जी ये रेडी, ये बेटे के लिए और ये मेरे लिए, और बेटे के पापा जब आएंगे तब उन्हें दे दूंगी। और क्या, ये खाकर ही सो जाऊंगी, और कुछ खाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत भारी होता है,
ज्यादा कुछ खाने की जरूरत होती नहीं, थोड़ा पीठा खाकर आराम से आप सो सकते हो, नींद आ जाएगी आराम से। तो चलो थोड़ा सा खाकर बताती हूँ कैसी बनी है। अच्छा तुम बोलो अच्छा, अगर बुरा भी हो तो तुम बोलो अच्छा। नहीं, अगर खराब लगे तो मैं खराब बोलती हूँ। पिठा ऐसे ही बहुत अच्छी बनती है और मैं तो बहुत प्यार से बनाती हूँ, इसमें बहुत प्यार डालती हूँ। प्रीतम को अगर बोलूंगी नहीं दूंगी तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि उसे मैंने पिठा नहीं दिया। ठीक है, जम के खाएगा और मेरी बुराई करेगा, तो जो मर्जी करे वो। तो चलो आज का वीडियो मैं ये पिन करती हूँ आप लोगों का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत जरूरत है, बहुत बुरा हुआ है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा। तुम लोग